तो मेरे यार प्यार सबको मेरा नमस्कार। और क्या शर्मा जी और स्काई छोड़ रहे हैं MI का साथ। जी हाँ, कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते ये खबर आपने जरूर सुनी होगी कि रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव MI मैनेजमेंट से खुश नहीं है और ऐसे में 2025 के पहले दोनों आपस में मुंबई इंडियंस टीम से स्प्लिट हो सकते हैं। क्या है इस पूरे खबर की सच्चाई, इस वीडियो में आप जान जाएंगे। और इसके अलावा हम आपको IPL 2025 की चार और मेजर अपडेट बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले दूध का दूध और पानी का पानी ही कर लेते हैं, रोहित और स्काई वाली खबर आते हैं। अब आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझा देता हूं। हालांकि पहले भी हमने हार्दिक का सिनेरियो डिस्कस किया था कि किस तरीके से हार्दिक अब मुंबई इंडियंस के तो कप्तान है, लेकिन सूर्य कुमार यादव भारतीय T20 टीम के कप्तान है और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को लीड करेंगे, तो क्या सूर्या को यह मंजूर होगा। फिर आता है इसमें रोहित शर्मा का एंगल कि क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ रहना चाहते हैं भी या फिर नहीं, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है क्या वो उससे उबर पाए हैं नहीं पाए हैं, वो एक अपना अलग सिस्टम चल रहा है। अब इसमें जो है जो रिपोर्ट निकल कर आती है या फिर जो बातें आप लोग सुन रहे होंगे हमने भी सुनी है, वो ये है कि रोहित और स्काई दोनों ही मुंबई इंडियंस को छोड़ सकते हैं। और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि वही बात है कि जो दोनों के संबंध अच्छे नहीं है, हार्दिक कप्तान है। अब हमने जैसा सोचा था कि यार अब क्या मैनेजमेंट ऐसा करेगा कि स्काई को रखने के लिए, या फिर स्काई डिमांड करता है कि नहीं मेरे को तो कप्तानी चाहिए MI की, मैं तो इंडियन टीम का कप्तान हूं, तो फिर उनको रखने के लिए ये हार्दिक को बोलेंगे कि तू भी कप्तानी छोड़ दे, हम स्काई को कप्तान बनाएंगे, तो ये सिनेरियो बहुत फंसता नजर आएगा। तो ऐसे में अब ये बताया गया कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि रोहित और स्काई बोल देंगे कि हमें MI के साथ रहना ही नहीं है, आप चुपचाप हार्दिक को कप्तान बना लो, हमें इस चीज़ से कोई एतराज नहीं है। और इनफैक्ट दोस्तों जब ये रिपोर्ट्स यहाँ पर निकाली गई है ना, तो मैंने पढ़ा, मैं सोचा कि कहाँ से आई है मुझे भी पता चले। तो डिटेल में ये बताया गया दोस्तों कि दैनिक जागरण ने ये रिपोर्ट किया है, और उसके बाद मैं गया दैनिक जागरण के, पूरा छानबीन मैंने किया उनके वेबसाइट अखबार हर जगह कि कहीं मुझे ये खबर मिल जाए। मुझे कहीं ऐसी खबर नहीं मिली, लेकिन उससे मिलता जुलता मुझे एक आर्टिकल ज़रूर मिला और जिसको लेकर मैंने डायरेक्टली जो है जो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था उनको ही कॉन्टैक्ट किया। और मैंने एडिटर साहब से पूछा कि भाई आपने कुछ ऐसा लिखा है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं भाई मैंने नहीं लिखा। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि मैंने तो कुछ ऐसा छापा था और इन्होंने इसको बदल दिया, कुछ अलग ही स्टोरी चला दी। उन्होंने बताया कि मैंने जो छापा था वो ये था कि रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांडे का ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि उन्हें क्या कॉल लेनी है और तीनों को कैसे प्रोटेक्ट करके MI में रखना है। रोहित क्या उस टीम के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, मैंने इस चीज को लेकर अपनी एक अजम्पशन जो है बस एक तरीके से रखी थी और पूरा आर्टिकल ही कुछ इसी तरीके से लिखा गया है, लेकिन वहीं से कुछ लाइंस को पिक करके बहुत सी वेबसाइट्स ने छाप दिया कि दैनिक जागरण कह रहा है कि रोहित और सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस कैंप को छोड़ देंगे दोस्तों। तो ऐसे में अब मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, और रियलिटी ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है जो ये क्लेम करें कि रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस कैंप को छोड़ रहे हैं। और इससे ज्यादा तो मैं आपको प्रूफ ही नहीं दे सकता कि जिस बंदे ने ये रिपोर्ट लिखी थी, जिसको लिखकर लोग सबको बता रहे थे कि इस बंदे ने क्लेम किया है, मैंने डायरेक्टली उन्हीं से कॉन्टैक्ट करके आपको सारी रियलिटी बता दी। तो यही अपना काम है, आपका सपोर्ट आपका प्यार है। तो भाई आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिपोर्ट को लेकर, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं मेरा अपना ओपिनियन। देखिए ये बात हम सभी लोगों को पता है कि मुंबई इंडियंस के कैंप से सबसे ज्यादा ड्रामा इस साल के ऑक्शन में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि रिटेंशन की प्रोसेस में, और उसको लेकर मैंने कई बार अपना ओपिनियन रखा है। मैं फिर से क्लियरली एक्सप्रेस करता हूं कि मुझे भी पर्सनली लगता है कि क्या पता रोहित भी छोड़ दे, क्या पता सूर्या भी छोड़ दे, क्या पता हार्दिक की कप्तानी भी चली जाए, वो कुछ भी सकता है, पता अभी किसी को कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है, मैं अभी भी स्टिक करूंगा मेरे विचार के साथ कि रोहित शर्मा को छोड़ देना चाहिए मुंबई इंडियंस को। मैं पहले भी कह रहा था, मैं अभी भी उस चीज को डिफेंड करूंगा। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा इनका सीन हार्दिक के साथ कुछ समझ नहीं आ रहा और जनता को भी नहीं समझ में आ रहा, हम सभी काफी कंफ्यूज हैं। एक तरफ पहले दोस्त बन जाते हैं, फिर पता चलता है कप्तानी है तो नहीं सूर्या को बना दो, तो फिर समझ नहीं आता कि भाई क्या चल रहा है इन लोगों के बीच। लेकिन अभी जो भी है जैसा भी रहता है, आगे चलकर सारी चीजें सिमटती हुई नजर आएंगी, वो तो रिटेंशन में दिख ही जाएगा कि कौन किसका कितना सगा है नहीं है, जो भी है चीजें आप समझ रहे हो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रोहित भाई को छोड़ देनी चाहिए MI, और हार्दिक और सूर्या जरूर रह सकते हैं, वो लोग अपना कर लेंगे कि भाई हार्दिक बोल देगा कि भाई मैं तो कप्तान हूं, तो वैसे भी इंडियन टीम का है, मेरे को कम से कम इधर रहने दे, तो दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहां पर हो सकती है, या फिर क्या पता मैनेजमेंट रोहित को भी मना ले, उनको भी अपने साथ रखे। तो अभी यार देखो सारे सिनेरियोज ओपन है, और इसीलिए आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, किसी रिपोर्ट्स में ऐसा ज्यादा बिलीव मत करिए, जब कुछ जेन्युइन चीजें आएंगी तो हम जरूर बताएंगे। अभी के लिए सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है और कुछ भी यहां पर पुख्ता नहीं है। एनीवे दोस्तों जो चीज काफी पुख्ता नजर आ रही है वो है राहुल द्रविड़ सर का भारतीय टीम के बाद अब किसी IPL टीम का हेड कोच बनना। और जी हां, इसको लेकर आपको पता होगा कि क्रिक पॉइंट ने काफी पहले रिपोर्ट कर दिया था, जून में ही हमने आपको बताया था कि राहुल द्रविड़ किसी ना किसी टीम के IPL 2025 में आपको हेड कोच या फिर डायरेक्टर बनते नजर आएंगे। और उसके बाद ये रिपोर्ट आई थी कि कम से कम दो टीमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और अब दोस्तों ये मानना है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि राहुल द्रविड़ को एज एन हेड कोच की पोजीशन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने लगभग यहां पर डील फाइनल कर ली है, कुछ फॉर्मेलिटीज ही बची हैं, और इसको लेकर बहुत ही जल्द आपको अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है। याद रहे कि कुमार संगकारा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपनी पोजीशन को एज इट इज बरकरार रखेंगे, लेकिन राहुल द्रविड़ एज एन हेड कोच यहां पर अपना इनपुट देंगे, स्पेशली इन द IPL, क्योंकि जो
हेड ऑफ क्रिकेट होता है उसको तो हर जगह देखना रहता है ना, अलग अलग फ्रेंचाइज जो अलग अलग लीग्स में खेलती हैं राजस्थान की यानी कि रॉयल्स की, लेकिन जो राजस्थान है मतलब जो IPL की फ्रेंचाइज है उस पर अब यहाँ पर राहुल द्रविड़ सर की पक्की नजर होने वाली है। तो सुनने में आ रहा था कि KKR लखनऊ का भी एंगल इन्वॉल्व जरूर था राहुल द्रविड़ सर को लेकर, पर ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल द्रविड़ सर ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइज में जाने का फैसला किया है और भैया वो रजवाड़ों को ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है, जैसे रिपोर्ट्स आएंगी आपको और कंफर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिस पर हमने बहुत पहले ये चीजें बताई थी कि राहुल द्रविड़ सर तो ज्वाइन करेंगे, काफी पॉसिबिलिटी भी थी, वो देखने को मिलेगा भी अब राजस्थान को या फिर किसी और टीम से कोई और अच्छा ऑफर आ जाता है, समय के साथ चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अभी के लिए राजस्थान सबसे ज्यादा आगे नजर आ रही है और आप भी सबसे ज्यादा आगे रहेंगे खबरों में IPL 2025 को लेकर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स फटाफट वहां पर मिलती रहती। एनीवे अब वैसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राजस्थान में द्रविड़ सर जा रहे हैं तो फिर लखनऊ में कौन आएगा, क्योंकि ये भी तो ढूंढ रहे थे ना राहुल द्रविड़ सर को। तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि यहां पर जो अल्टरनेट है वो हो सकते हैं VVS लक्ष्मण सर। जी हां, मैं आपको बता दूं कि वो NCA के साथ अभी जुड़े हुए हैं लेकिन उनका कार्यकाल सितंबर में IGS इस बार समाप्त हो रहा है और वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में अब वो चाहेंगे कि किसी न किसी के साथ उनका कॉन्टैक्ट बने और सुनने में आ रहा है कि लखनऊ ने उन्हें अप्रोच किया है कोचिंग पोजीशन पर। कौन सी कोचिंग पोजीशन पर, क्या मेंटोर के तौर पर या फिर हेड कोच को हटा के नया लाएंगे, आई रियली डोंट नो कि क्या करने वाली है लखनऊ, अभी इस पर थोड़ी क्लैरिटी आना बाकी है, लेकिन ये जरूर सुनने में आया कि VVS लक्ष्मण को इंटरेस्ट जरूर दिखा रही है लखनऊ अपने कोचिंग पोजीशन में शामिल करने के लिए, क्योंकि वही बात है पहले वो राहुल द्रविड़ सर की तरफ भाग रहे थे, जब वहां बात नहीं बनी तो फिर अब VVS लक्ष्मण को टारगेट कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आज दिन भर की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट लेकिन काफी एक्सपेक्टेड थी, News24 ने ये रिपोर्ट किया है दोस्तों कि उमरान मलिक को हैदराबाद टीम IPL 2025 के पहले रिलीज कर सकती है और बहुत सी टीमें उनमें इंटरेस्ट दिखा भी रही हैं ऑक्शन में जाकर खरीदने के लिए, और ये तो काफी एक्सपेक्टेड मूव नजर आता है। आई मीन ऑब्वियसली अभी उनको रिटेन करना है तो भाई पहले तो अपने कप्तान को करेंगे, क्योंकि कप्तान कहां मिलते हैं भाई, तो पैट कमिंस अगर आपकी टीम में आ गया, हेनरिक क्लासन चाहिए ही चाहिए, मस्ट है, आप ऐसे प्लेयर को छोड़ ही नहीं सकते, अभिषेक शर्मा 100% टॉप प्रायोरिटी, फिर आप सोचोगे ट्रेविस हेड, फिर रूल्स क्या हैं, कितने फॉरेनर्स कितने इंडियंस, और आपको फिर भूवी की तरफ देखना है नटराजन। सो आई थिंक दैट इज प्रीटी सॉर्टेड कि भाई उमरान मलिक आपको रिटेन होते नहीं नजर आएंगे, वो रिलीज होंगे हैदराबाद कैंप से, तो कौन सी टीम उन्हें टारगेट करेगी आप अपनी टीम में देखना चाहते हो, आपकी टीम कौन सी है आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि किस टीम में उमरान मलिक का साथ यहां पर होना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई है तो भैया कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो का टारगेट है 371 के सब्सक्राइबर्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरा कराएंगे जैसे अब तक करा रहे हैं, करा दीजिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।